अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को आंखों की रोशनी के लिए वजीफा बताऊंगी। आंखों की रोशनी और निगाह, नज़र ऐसी अहम चीज़ें हैं कि इसमें कुछ कमी हो तो कई चीज़ों में रुकावट पैदा हो जाती है। अगर ये बाकी ही ना रहें तो इंसान के लिए पूरी दुनिया ही अंधेरी हो जाती है। जैसा कि मैं बहुत सारे कुरानी वजीफा आप लोगों को बताते रहती हूँ और नए नए वीडियो लाते रहती हूँ, तो इसी तरह से मैं आज निगाह और नज़र में बढ़ोतरी के लिए कुछ वजीफे बताऊंगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आँखों की रोशनी के लिए वजीफा, लकद कुंता फी अफलतिम मिन हाजा वकशफना अनका गिता अका फा बस वरुकल यौमा हदीद, सूरह काफ आयत नंबर 22। इसका तर्जुमा ये है कि आज हमने तुम्हारे आंखों से सारे पर्दे हटा दिए हर नमाज के बाद। इस आयत को 3 या 7 बार पढ़ें, फिर दोनों हाथों की शहादत वाली उंगली पर दम करें और दोनों आंखों पर फेरें या सुबह उठते ही मुंह धोए बगैर इसी आयत को 7 बार पढ़ें और पाक साफ शहादत की उंगलियों पर अपना लुआब लगाएं और उस पर दम करके आंखों में लगाएं। इसका कई तजुर्बा किया जा चुका है, बहुत ही बेहतरीन वजीफा है आंखों के लिए। दूसरा वजीफा है कि वुजू के बाद सूरह इन्ना अनजलना एक मर्तबा आसमान को देखते हुए पढ़ने से नजर तेज हो जाती है। नजर तेज करने का तीसरा वजीफा, हर नमाज के बाद या नूरू 11 बार पढ़ें और दोनों शहादत की उंगलियों पर दम करके आंख पर फेरें। चौथा वजीफा, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, और इसका तर्जुमा यह है कि ऐ अल्लाह मेरी आंख की हिफाजत फरमा। तो इतने सारे वजीफों में आप कोई सा भी वजीफा ट्राई कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम।